हेलो फ्रेंड्स, आज हम HMP के पेडेस्टल स्पोर्ट वेल्डिंग के वाटर कूलिंग अटैचमेंट के बारे में देखेंगे, आप जिससे आप वाटर सर्कुलेट करके ब्रास रोड को कूल रख सकते हो। सबसे पहले देखते हैं उसको सेटअप कैसे करना है, हाउ टू सेटअप कूलिंग अटैचमेंट्स। अभी आप जो देख रहे हो HMP का 10 KV का सुपर हैवी मॉडल स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है, जो वाटर कूलिंग अटैचमेंट के साथ में दिया हुआ है। अभी हमने वाटर सोर्स के लिए बाल्टी यूज़ की है, जिसकी जगह आप कूलेंट टैंक या कोई वाटर सोर्स यूज़ कर सकते हो। अभी हमने रेड एंड वाइट कलर का इम्पोर्टेड कूलेंट पंप यूज़ किया है, उसकी जगह पे आप मेड इन इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। हम मेड इन इंडिया में इम्पोर्टेड की जगह राजलक्ष्मी कूलेंट पंप प्रीफर करते हैं, जो 0.15 HP से लेके आधे HP तक के सिंगल फेज और 3 फेज में मैन्युफैक्चरिंग करती है। और उसकी वेबसाइट है www.rajlakshmigrinder.com, उधर आपको सब स्पेसिफिकेशन भी मिल जाएंगे। अभी ये हमने इनपुट सप्लाई दिया है ब्रास रोड में, ऊपर के ब्रास रोड में, और दूसरी जगह पे दूसरी नोजल दी हुई है जहाँ से आपको आउटलेट होगा। और जो ब्रास रोड अपर ब्रास रोड का आउटलेट है वो दूसरे नीचे के ब्रास रोड के लिए इनपुट होगा, और दूसरा जो लास्ट आपने नोजल दिखा वो आउटपुट है, वो वापस आप सोर्स टैंक में अटैच कर सकते हो, जिससे आप वाटर सर्कुलेट भी होगा और रिसाइकल भी हो जाएगा उधर। अभी इसको हम चालू करके देखते हैं। इस तरह से आप पूरा वाटर को सर्कुलेट कर सकते हो, जो अभी वाटर वो ऊपर के ब्रास रोड में इनलेट हो रहा है और दूसरी नोजल से आउटलेट हो रहा है, वही आउटलेट होके दूसरे ब्रास रोड में इनपुट होके वापस आउट होके वापस बाल्टी में जा रहा है, और पूरा वही वाटर सर्कुलेट हो रहा है। हमारे पास हर प्रकार के पेडेस्टल स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन अवेलेबल है, जो 100% कॉपर, सेमी कॉपर, 1 and 2 phase विथ एंड विदाउट टाइमर में अवेलेबल है। और कुछ जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट है www.hmpdrills.com।